पांच राज्यों के चुनाव के बाद यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भाजपा की जीत ने किए पार्टी के हौसले बुलंद। भाजपा जिला प्रधान जगमोहन ने जगाधरी गेट में बांटे लड्डू। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिंदाबाद के नारे लगाए। भाजपा नेता जगमोहन ने कहा कि कांग्रेस के हाथ ने सपा की साइकिल को भी पंचर कर दिया है। पांच राज्यों के चुनावी नतीजों ने भाजपा के हौसले बुलंद करने का काम किया है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में पार्टी को मिली प्रचंड जीत का जश्न अंबाला में भी पूरी जोर शोर से मनाया गया। अंबाला शहर में भाजपा के जिला प्रधान जगमोहन कुमार की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगाधरी गेट पर इकट्ठा होकर लड्डू बांटकर जीत का जश्न मनाया। जनता पार्टी की जीत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है। नोटबंदी पर जो कांग्रेस पार्टी कह रही थी उसके ऊपर जीत है और उनको आज पूरा देश का समर्थन मिल रहा है। उसमें अमित शाह जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी उनकी जीत है। उनका जो नीति है उनके ऊपर काम कार्यकर्ताओं किया है। जो पब्लिक ने हमारा साथ दिया है सारी पब्लिक की जीत है। हर कार्यकर्ता की जीत है जिन्होंने पार्टी के संगठन के लिए काम किया है। चार राज्यों में तो जीते हैं, एक में हार है, उसमें क्या कहेंगे? वहाँ पे भी अभी रिजल्ट आ रहे हैं, वहाँ पर भी देखेंगे। हमारी उम्मीद ठीक रहेगी वहाँ पर। सर, भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस मुक्त भारत बने? आज पांच स्टेटों में से चार पर हमारी सरकार बनने जा रही है और यह कांग्रेस मुक्त भारत बनने जा रहा है। और अभी जो चुनाव आयोग के कहने के ऊपर अभी जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव है उस पर भी राहुल गांधी को अब कोई भी कार्यकर्ता उनका पार्टी का बनने नहीं देगा। अंबाला से जाट टीवी न्यूज के लिए कृष्ण बाली की रिपोर्ट।